हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एएमयू 2015 क्वेश्चन पेपर का बीए ऑनर्स क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है उसमें, और मेरे चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है। आप लोग जाकर के पहले वो देख लीजिए अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो। एएमयू का जो पैटर्न होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो 100 एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। वहाँ पर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। सो हमने 100 मार्क्स का पूरा एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो इस वजह से मैं एएमयू के जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो दो दो पार्ट्स में डिस्कस कर रही हूँ एक क्वेश्चन पेपर को, यानी कि हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। सो पहले आप लोग मेरी फर्स्ट पार्ट जाकर के देख लीजिए वीडियो का, देन ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो क्लियर नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बोलूँगी। अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, एएमयू में भी एंट्रेंस स्टार्ट होने वाले हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। इस वजह से मैं सॉल्व भी करवा रही हूँ और क्वेश्चंस मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ूंगी। अगर आपको नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं 51th क्वेश्चन क्या है। 51th क्वेश्चन इज, सुल्तान अजलान शाह ऑफ मलेशिया एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। सुल्तान अजलान शाह ये जो है ये मलेशिया से थे, और यहाँ पूछा गया कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड करते थे, किस स्पोर्ट से ये इन एसोसिएट करते हैं। सो द राइट आंसर इज़ हॉकी। हॉकी इज़ द राइट आंसर। सुल्तान अजलान शाह जो है अवार्ड भी दिया जाता है, ट्रॉफी भी दी जाती है सुल्तान अजलान शाह। तो कितनी बार ये पूछ लिया जाता है कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट के लिए, कौन से गेम के लिए दी जाती है, तो वो दी जाती है हॉकी के लिए। सो द राइट आंसर इज़ हॉकी। सुल्तान अजलान शाह ऑफ मलेशिया एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट हॉकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द UN सेक्रेटरी जनरल मिस्टर बाकी मून इज़ फ्रॉम। UN सेक्रेटरी जनरल थे बाकी मून पहले, जो अभी वाले हैं उनसे पहले थे बाकी मून, और ये कहाँ से थे, इनकी कंट्री पूछी गई है कि किस कंट्री से बिलोंग करते थे। सो द राइट आंसर इज़ साउथ कोरिया। ये जो थे मिस्टर बाकी मून जो थे ये साउथ कोरिया के डिप्लोमेट थे, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। और अभी वाले जो 2017 में बने थे, और अभी उनका ये लास्ट ईयर है जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो वो कौन है, वो हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। ये कौन है, ये हैं प्रेजेंट वाले। और इनका भी क्या है, ये वाला ईयर जो है ये इनका लास्ट टेन्योर है, यानी कि फिफ्थ ईयर चल रहा है जो सिक्योरिटी जनरल का, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब वो कितने सालों तक सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, वो 5 ईयर्स होता है टर्म जो होता है उनका, वर्किंग टर्म होता है 5 ईयर्स का। सो ये एंटोनियो ग्यूटेरस जो है 2017 में एज ए सेक्रेटरी जनरल बने थे यूनाइटेड नेशंस के, और ये वाला साल यानी कि 2021 इनका लास्ट ईयर है एज ए सेक्रेटरी जनरल। सो अभी तो यही है, अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं वहाँ, मतलब सेक्रेटरी जनरल के लिए वहाँ वोटिंग नहीं हुई है। सो अभी जो है अगर क्वेश्चन आता है तो अभी कौन है, अभी हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। और जो टाइम पीरियड होता है सेक्रेटरी जनरल का यूनाइटेड नेशंस की, वो होता है 5 ईयर्स। कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कितना वर्किंग टेन्योर जो होता है सेक्रेटरी जनरल का यूनाइटेड नेशंस की, वो कितने ईयर का होता है, तो वो होता है 5 ईयर्स का। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास्ड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। द राइट आंसर इज 2005। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है उस, वो सबसे ज़्यादा जो इनकम है नेशनल इनकम इंडिया की, वो क्या सोर्स है, लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है जिससे सबसे ज़्यादा पैसे, सबसे ज़्यादा इनकम जो है नेशनल इनकम, वो इंडिया की काउंट की जाती है एज ए नेशनल इनकम में, कि सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है नेशनल इनकम का। सो द राइट आंसर इज सर्विस सेक्टर। अब कुछ लोग आके बोलेंगे मैम सर्विस सेक्टर नहीं है, एग्रीकल्चर है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, एग्रीकल्चर जब यानी कि 1947 के बाद जो हमारा इनकम का जो सोर्स था, नेशनल इनकम का जो सोर्स था इंडिया का, वो था एग्रीकल्चर। पर अभी रीसेंट टाइम में क्या है, सर्विस सेक्टर में बहुत लोग जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है, यानी कि
सर्विस सेक्टर जो है ये 54% मोर देन 54% ऑफ जीडीपी का दे रहा है। कहाँ से? नेशनल इनकम, सर्विस सेक्टर से। सो द राइट आंसर इज सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर कब था? एग्रीकल्चर पहले हुआ करता था, पर अभी रिसेंट जो अभी डेटाज आए हैं, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा है? सर्विस सेक्टर। द राइट आंसर इज सर्विस सेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिलीजियस टेम्पल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिलीजियस टेम्पल कहाँ है, किस कंट्री में है? द राइट आंसर इज कम्बोडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाया 2020 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट रिलीजियस टेम्पल वर्ल्ड में कहाँ है। द राइट आंसर इज कम्बोडिया में है। और उस टेम्पल का नाम क्या है? टेम्पल का नाम है एंगकोर वॉट। ये टेम्पल का नाम है एंगकोर वॉट। और ये है कहाँ? ये है कम्बोडिया में। ये है लार्जेस्ट रिलीजियस टेम्पल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है, तो वो है एंगकोर वॉट, अभी मैंने बताया। और वो कहाँ है, किस मुल्क में है? द राइट आंसर इज कम्बोडिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज VAT इज इम्पोज्ड। VAT क्या है? ये एक टैक्स है। VAT टैक्स जो है, ये वैल्यू एडिड टैक्स है VAT। VAT की अगर फुल फॉर्म पूछते हैं तो VAT की फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। और ये कब इम्पोज की जाती है? VAT, द राइट आंसर इज ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। प्रोडक्शन से लेकर के फाइनल सेल, यानी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज़, और उसे फार्मर क्या, कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो अगर एक कोई भी क्लोथ है या कोई शर्ट है, अगर आप वो मार्केट में शर्ट ले रहे हैं, वो क्या है? वो फाइनल सेल है जो आपने खरीदी। और वो प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? अगर कॉटन शर्ट है तो पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया फार्मर ने, वहाँ से लेकर के फाइनल सेल तक के बीच में जो टैक्स लगते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, ये इम्पोज होता है कब? बिटवीन ऑन ऑल स्टेजेस, सारे स्टेजेस पे होते हैं, बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल स्टेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। डी इज द राइट आंसर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। स्लैश एंड बर्न इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? द राइट आंसर इज सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन पुबर्टी एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड। जो पुबर्टी से लेकर के अडल्टहुड तक जो डेवलपमेंट होता है हमारा, यानी कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? पुबर्टी से लेकर अडल्टहुड का जो पीरियड होता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज एडोलसेंस। एडोलसेंस इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन गुजरात। द राइट आंसर इज गुजरात। और सरदार सरोवर डैम किस रिवर के ऊपर है? वो है नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिसीव्स न्यूरल सिग्नल्स इज द राइट आंसर इज डेंड्राइट। डी इज द राइट आंसर, डेंड्राइट। क्लियर नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, डेंड्राइट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स डिकेंस इज द ऑथर ऑफ। यहाँ पे बुक्स दी हैं ऑप्शंस में और पूछा है कि चार्ल्स डिकेंस जो है इनमें से किस बुक के ऑथर हैं। सो चार्ल्स डिकेंस ने कौन सी बुक लिखी है? वो लिखी ओलिवर ट्विस्ट इज द राइट आंसर। ओलिवर ट्विस्ट क्या है? ओलिवर ट्विस्ट है बुक का नाम, एंड राइटर कौन है? चार्ल्स डिकेंस राइटर हैं और ओलिवर ट्विस्ट बुक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच अदर टर्म इज रिलायबिलिटी रफली सिनोनिमस। द राइट आंसर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जीरो कोरिलेशन रिप्रेजेंट। जीरो कोरिलेशन रिप्रेजेंट
द राइट आंसर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. ए इज द राइट आंसर, नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NUHM इज एन एब्रीविएशन ऑफ. NUHM जो है ये किसका एब्रीविएशन है? NUHM है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन. नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM इज एन एब्रीविएशन ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन. द राइट आंसर इज ए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ह्यूमनिस्टिक इज यूजुअली डिस्क्राइब एज. द राइट आंसर इज अ रूल ऑफ थंब. अ रूल ऑफ थंब इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? द राइट आंसर इज 1935. यानी कि जो अभी RBI है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1935 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज्ड फॉर. स्मार्ट मनी टर्म जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए? द राइट आंसर इज क्रेडिट कार्ड. स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ किया जाता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कुछ लोग आगे मेरे कमेंट में बहुत बदतमीजी से कमेंट करते हैं और हेट कमेंट करते हैं. सो प्लीज़ अगर आप खुद बहुत पढ़े लिखे हैं तो मेरी वीडियो पे आने की ज़रूरत नहीं है. बात करने का सलीका होता है, तमीज़ होती है. तो अगर आपको तमीज़ नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे मत आया करें. मैंने आपको बुलाया नहीं है कि आप आकर मेरी वीडियो देखिए. जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है वो आते हैं, वो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से. जिन्हें पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना होता वो आके फालतू के कमेंट्स करते हैं. सो प्लीज़, तो मेरी वीडियो पे आके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. पढ़ना है पढ़िए, मेरे चैनल पे आके ऐसी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं ना तो नाम मेंशन कर रही हूँ जिसने ये हरकत करी थी, और ना मैं कुछ कह रही हूँ अभी. पर अगली बार अच्छा नहीं होगा अगर कोई भी बकवास आकर के मेरे चैनल पे कमेंट में अगर कोई भी हेट कमेंट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. अगर पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए. मेरे चैनल पे आके बकवास करने की ज़रूरत नहीं है. जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, एटलीस्ट उनको डिस्टर्ब मत करिए. उनके एग्ज़ाम्स हैं, उन्हें पढ़ना है तो उन्हें पढ़ने दीजिए. आपको नहीं पढ़ना, आप मत पढ़िए, मेरे चैनल पे मत आइए. एंड प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो कमेंट करने ही आते हैं. वो भी बकवास कमेंट करने आते हैं, जिनका ना पढ़ाई से कोई लेना देना होता है पर कमेंट करना होता है. एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो है तो वहाँ पे आकर के ऐसी बकवास कमेंट मत करिए, ठीक है? अगर पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए. मेरी वीडियोज़ पर ऐसी बकवास हेट कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहांगीर स्टॉम्प इज लोकेटेड एट. जहांगीर स्टॉम्प कहाँ है? द राइट आंसर इज लाहौर. जहांगीर टॉम्प कहाँ है? लाहौर में. जहांगीर कौन है? ये जहांगीर जो है ये मुग़ल रूलर है. कितनी बार ऐसा पूछा जाता है, मुग़ल रूलर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं कि आप अरेंज करिए कि सबसे पहले कौन से रूलर थे, कौन से रूलर थे, कौन से रूलर थे. सो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को. तो मैंने और भी क्वेश्चन पेपर में ट्रिक बताई और अभी बता रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूलर्स के नाम पूछे जाते हैं, उसे अगर आपको अरेंज करना होता है सही फॉर्मेट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ. एक वर्ड याद कर लीजिए बस, भाजसा. भाजसा क्या है? भाजसा ये वर्ड याद कर लीजिए, आपको सारे रूलर्स याद हो जाएंगे मुगल डायनेस्टी के. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है. एक वर्ड याद कर लीजिए, भाजसा. भाजसा बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां एंड ए से औरंगज़ेब. सो इस वर्ड से आपको 6 रूलर्स के, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि आप सही अरेंज करिए रूलर्स के नाम. सो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें. तो एक वर्ड याद कर लीजिए, आपको सारे मुग़ल रूलर्स याद हो जाएंगे. भाजसा, भाजसा वर्ड से आपको सारे मुग़ल रूलर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां एंड ए से औरंगज़ेब. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन हैंडशेक स्कीम. गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज़ एसोसिएटेड विद. गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे एसोसिएट करती है? द राइट आंसर इज वॉलंट्री रिटायरमेंट. डी इज़ द राइट आंसर, वॉलंट्री रिटायरमेंट.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट. कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में जहाँ एक भी डेजर्ट नहीं है, मतलब डेजर्ट नहीं है, वो है यूरोप. द राइट आंसर इज यूरोप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did the United Nations Organization come into existence? United Nations Organizations कब establish हुआ? The right answer is October 24, 1945. इसीलिए हर साल every year October 24 को UNO Day भी celebrate किया जाता है. United Nations Organization Day, UNO Day 24 October को celebrate किया जाता है. क्यों किया जाता है 24 October को? क्योंकि 24 October 1945 में UNO की establishment हुई थी. 1945, October 24, 1945. The next question is, when did the okay? The next question is, TIN stands for. TIN stands for. The right answer is, Tax Information Network. A is the right answer. Tax Information Network. The next question is, Gandhi took the command of the nationalist movement during the agitation against. The right answer is the Rowlatt Act. Next question is, who among the following is the author of the book India Remembered? India Remembered book kisne likhi hai? The right answer is Pamela Mountbatten. Pamela Mountbatten is the writer of India Remembered. India Remembered book likhi hai Pamela Mountbatten ne. The next question is, at which of the following places did Mahatma Gandhi first his satyagraha in India? The right answer is Champaran. The next question is, which one of the following is not the official language of the United Nations? ये जो options हैं इनमें से पूछा गया है कि official language United Nations की कौन सी नहीं है. The right answer is Hindi. Hindi official language नहीं है United Nations की. United Nations की 6 official लैंग्वेज हैं. इसकी ट्रिक बताती हूँ याद करने की, याद कर लीजिएगा. फ्रेस्का, फ्रेस्का वर्ड जो इसकी ट्रिक है यूनाइटेड नेशंस लैंग्वेज याद करने की. फ्रेस्का एक वर्ड से आपको सारे लैंग्वेज याद हो जाएंगे. फ्रेस्का से क्या? फ्रेस एफ से फ्रेंच लैंग्वेज, आर से रशियन, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज़ एंड ए से अरबिक. तो ये 6 लैंग्वेज जो हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड अरबिक, ये 6 लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज. तो एक वर्ड याद कर लीजिए फ्रेस्का, इससे आपको पूरे 6 की 6 लैंग्वेज याद हो जाएंगी. तो यहाँ पूछा गया था कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. तो हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. अरबिक भी है, स्पेनिश भी है, रशियन भी है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, पूछा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है. तो यहाँ नाम दिए हैं और प्लेयर्स के नाम दिए हैं और उनका स्पोर्ट्स दिया है कि वो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं. सो ज्वाला गुट्टा क्या है? ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और ये सही है यानी कि. और यहाँ पे सूरन जॉय सिंह जो है वो बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं, एसोशिएट करते हैं. फिर यहाँ पे जेनिफर पाइस जो है वो यहाँ पे दिया वॉलीबॉल पर. ये गलत है, ये वॉलीबॉल प्लेयर नहीं है. जेनिफर पाइस जो हैं वो बास्केटबॉल प्लेयर हैं जेनिफर वाइस. तो द राइट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ. नोबल प्राइज यहाँ पूछा गया है कि किस फील्ड के लिए नहीं दिया जाता है. Not given in the field of. The right answer is mathematics. Mathematics के लिए नहीं दिया जाता है. Nobel Prize जो दिया जाता है वो basically 5 subjects में दिया जाता है. Physics के लिए, chemistry के लिए दिया जाता है, physics के लिए दिया जाता है, physiology और medicine के लिए दिया जाता है, literature के लिए दिया जाता है एंड economics के लिए दिया जाता है. So mathematics के लिए नहीं दिया जाता. So the right answer is D, mathematics. The next question is, arrange the following states in increasing order of area. Indian states यहाँ दिए हैं और हमें इनकी area wise इनका इन्हें सही order में arrange करना है. So सब increasing order में करना है. तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, केरला है. तो सबसे छोटा स्टेट पहले देखते हैं. सबसे छोटा स्टेट जो एरिया वाइज वो है केरला. तो फर्स्ट में आएगा थर्ड, देन केरला के बाद है मध्य प्रदेश एरिया वाइज,
थर्ड, सेकंड, देन उत्तर प्रदेश फर्स्ट, और सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान एंड में आएगा, यानी कि थर्ड, सेकंड, वन एंड फोर्थ। तो ये कहाँ ऑप्शन में है? सी, द राइट आंसर इज सी। पहले केरला, देन मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान। और सबसे स्मॉल स्टेट कौन सा है इंडिया का? सबसे स्मॉल स्टेट इंडिया का है गोवा। गोवा सबसे स्मॉल स्टेट है इंडिया का। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज राजस्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट नॉन सिटीजन टू रिसीव भारत रत्न वॉज? भारत रत्न कौन से फर्स्ट नॉन सिटीजन थे, मतलब इंडियन नहीं थे और उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, वो थे अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। द राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्रोनिम नोट स्टैंड्स फॉर? एक्रोनिम नोट NOTE स्टैंड्स फॉर? द राइट आंसर इज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्रोनिम सिम स्टैंड्स फॉर? सिम, सिम की फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड सिम की फुल फॉर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन में से कौन सा फेडरल फीचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? सो द राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी जाती हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? द राइट आंसर इज गैनीमेड। गैनीमेड इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्यूस्ट सेल्फ? द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। कॉन्क्यूस्ट ऑफ सेल्फ ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है महात्मा गांधी ने। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंप्लाइड बाय? द राइट आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ए इज द राइट आंसर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रॉलेट एक्ट एम्ड एट? द राइट आंसर इज सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ? ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है V.S. नायपॉल। द राइट आंसर इज V.S. नायपॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन? इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? द राइट आंसर इज तिब्बत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिटेरियोरेशन इज टू रस्ट? सो द राइट आंसर इज डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, डिप्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिवेटेड एक्सल्टेड? द राइट आंसर इज ड्यूटी फिल्थी। यहाँ पे मैं आपको इसके ऑप्शंस बताती जा रही हूँ, अगर आपको रीजनिंग की वीडियोस चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कमांडर इज टू कमांड्स? द राइट आंसर इज सीनेटर लेजिस्लेट्स, सीनेटर लेजिस्लेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट From the answer choices given under each number series an appropriate number to replace the question mark. यहाँ पे number series वाली reasoning दी है, और मैं अगर आपको reasoning चाहिए होगा तो मुझे comment में ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ answer बता रही हूँ। So इसका answer जो है 94th का 34 है। The right answer is B, 34. Next question देखते हैं। The next question is, determine the pattern and find the correct answer. Find the correct answer. So यहाँ पे ऑप्शन में है 9, 15, 23, 33. अब 33 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा?
यहाँ पूछा गया तो वो होगा 45, द राइट आंसर इज 45। ये थोड़ा सा बता देती हूँ ये कैसे होगा, 9 ऑड नंबर है, 15 भी ऑड नंबर है, पर 9 के बीच में एक 11 ऑड नंबर भी आता है, देन 13 भी आता है, उसके बाद आता है 15। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो 15 है, यानी कि दो ऑड नंबर्स को छोड़ के जो थर्ड वाला है उसे यहाँ पे लिखा गया 15 के बाद। देन 15 एंड 23 के बीच में कितना था, यहाँ दो छोड़ के लिखा है, अब यहाँ तीन छोड़ के नंबर लिखा है 15 के बाद। 17, 19 एंड 21 ऑड नंबर आता है, 21 के बाद 23 आता है। तो यहाँ पे तीन नंबर छोड़ के जो फोर्थ वाला नंबर है यानी कि 23, तो यहाँ पे 23 लिखा गया है फोर्थ वाला नंबर। अब जो फिफ्थ वाला नंबर होगा वो लिखा जाएगा 33, एंड जो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर जो होगा मतलब बीच में छोड़ करके 33 के बाद 35, 37, 39, 41, 43 एंड उसके बाद क्या है 45, तो 45 आएगा इसके बाद, द राइट आंसर इज 45। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन इवोल्यूशन इज टू आर्किमिड्स, द राइट आंसर इज बुयेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल हेक्सागन, ट्राइंगल का हेक्सागन है तो द राइट आंसर इज रेक्टेंगल ऑक्टेगन। ट्राइंगल थ्री साइड्स, हेक्सागन सिक्स साइड्स, देन रेक्टेंगल फोर साइड, ऑक्टेगनल एट साइड। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी इज रिलेटेड टू वैक्स इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू, द राइट आंसर इज लेदर। सो ये कैसे यहाँ पे लेदर क्यों है, काऊ क्यों नहीं है, तो मैं बताती हूँ, क्योंकि बी प्रोड्यूस करती है, बी प्रोड्यूस हनी एज वेल एज वैक्स, उसी तरीके से काऊ प्रोड्यूस मिल्क एज वेल एज लेदर। तो यहाँ पे एनिमल्स नहीं पूछा गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बी जो है हनी भी प्रोड्यूस करती है, वैक्स भी प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे भी क्या है मिल्क, और काऊ जो है लेदर भी प्रोड्यूस करती है, सो द राइट आंसर इज लेदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 7, 15, 31, 63, देन यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या नंबर आएगा, सो द राइट आंसर इज बी 127 आएगा यहाँ पे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर चाहिए होगी रीजनिंग की वीडियो तो कमेंट में बता दीजिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवा रही अभी, बस आपको आंसर्स बता रही हूँ। तो द राइट आंसर इज 127। द लास्ट क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स, ए बी सी एंड डी जो है वो कार्ड्स खेल रहे हैं, मतलब कार्ड्स जो हैं खेल रहे हैं। ए सेज टू बी इफ आई गिव यू 8 कार्ड्स यू विल हैव एज मैनी एज सी, बी ने ए ने बी से कहा कि अगर मैं तुम्हें 8 कार्ड्स दे देता हूँ तो तुम्हारे पास सी से ज़्यादा कार्ड्स हो जाएंगे, एंड देन आगे क्या है क्वेश्चन में, यू विल हैव एज मैनी एज सी हैज़ एंड आई शेल हैव 3 लेस देन वॉट सी हैज़। अगर मैंने तुम्हें 8 कार्ड्स दे दिए, ए बी से कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें 8 कार्ड्स दे दिए तो तुम्हारे पास सी से ज़्यादा कार्ड्स हो जाएंगे, पर मेरे पास जो है वो सी से 3 कार्ड्स जो है वो कम रहेंगे, तीन कार्ड जो है वो कम रहेंगे सी से, जितने सी के पास है मेरे पास उससे 3 कार्ड्स कम रहेंगे। देन ऑल्सो इफ़ आई टेक 8 कार्ड्स फ्रॉम सी, फिर ए कह रहा है कि अगर मैंने 8 कार्ड्स सी से ले लिए, आई शेल हैव ट्वाइस एज मैनी एज डी हैज, तो डी के पास जितने कार्ड्स हैं मेरे पास डी के डबल कार्ड्स होंगे। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या, इफ़ बी एंड डी टुगेदर हैव 50 कार्ड्स, अगर बी और डी के पास यानी कि बी एंड डी के पास अगर 50 कार्ड्स हैं इन दोनों के कार्ड्स मिला के, सो यहाँ पूछा गया हाउ मैनी कार्ड्स हैव ए गॉट, तो ए के पास कितने कार्ड्स हैं, द राइट आंसर इज 40। ये खुद सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है डी, मैंने आपको आंसर बता दिया और अच्छे से क्वेश्चन भी समझा दिया ताकि सॉल्व करने में आपको ईजी रहे, सो द राइट आंसर इज डी 40। सो इस वीडियो में हमने 2015 का क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन तक। अब आपको अगर किसी और सब्जेक्ट का या कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।